हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। टुडे आई विल डिस्कस अ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 10। इट इज माय 15 वीडियो इन दिस चैप्टर। अंडर दिस वीडियो आई विल डिस्कस टाइप 10 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से 14 वीडियो बनाया हूं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने बताया था, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो हमारा कवर करेगा टाइप 10 क्वेश्चन। और टाइप 10 क्वेश्चन में क्या है, बेस्ड ऑन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मींस के ए एम मींस वेरिएबल टर्म का पूछेगा कि वैल्यू निकालने। अधिकतर बार के करके पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आज का वही तीनों टाइप है, और तीनों जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड में आया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ चुका है। तीनों सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इन सब क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक है यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि क्या वैल्यू होगा यहाँ पर के का, ये के जो दिया गया है, क्या वैल्यू होगा वहां पर के का, दैट विल बी द फॉलोइंग इक्वेशन जो है वो मैनी सॉल्यूशन का इक्वेशन होगा। मीन्स के का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें जो इक्वेशन होगा वो मैनी सॉल्यूशन का होगा। तो मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, कंडीशन था मैनी सॉल्यूशन का कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये कंडीशन था, अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मैनी सॉल्यूशन का केस है। तो उसी की हेल्प से आज हम लोग के का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन, तो हम लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन को भी किए थे तो राइट साइड में जितने भी टर्म होंगे उससे हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे और राइट साइड में जीरो ले आएंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 3y, और राइट साइड में 7 है, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -7 = 0। देन हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी सेम इसी तरह कहेंगे, k+1 (x+1 - 2k)y, और ये माइनस हो जाएगा 5k - 4 = 0। अब इक्वेशन को हम लोग सब लेफ्ट साइड लिया है, सब टर्म को लेफ्ट साइड लिया है और राइट साइड जीरो है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, फॉर मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है बस उसे लिखेंगे और उसी से हम लोग के का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फॉर मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन के लिए केस क्या था, कंडीशन क्या था, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, यही कंडीशन था मैनी सॉल्यूशन का। तो a1 by a2 means x का कोफिशियंट है a1, तो ये क्या हो जाएगा 2, और a2 क्या है, ये भी सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशियंट है, तो ये क्या हो जाएगा k+1 = b1, क्या है यहाँ y का कोफिशियंट है तो -3, और b2 भी है वो y का कोफिशियंट है पर सेकेंड इक्वेशन का, तो वो क्या हो जाएगा 1 - 2k। यहां तक क्लियर, c1 by c2, तो c1 का क्या है कांस्टेंट टर्म है -7, और c2 क्या है -5k - 4, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो ये लिख लिया हम लोग a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। अब यहां से हम लोग तीन केस से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस, जब हम लोग इन लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड केस है कि हम जब इन लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से भी k का वैल्यू मिल जाएगा। और लास्ट थर्ड केस है, जब हम लोग फर्स्ट और ये थर्ड वाले टर्म को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग को k का वैल्यू मिलेगा। तो तीनों केस से हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कौन सा वैल्यू क्या क्या निकलता है, k का क्या वैल्यू निकलता है। तो केस वन,
पहले इन लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 के। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर देखिएगा 2 1 जा 2 और प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 के इज इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 3, तो माइनस का माइनस 3 इंटू के 3 के, और यहां पर माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा 3, ठीक है। अब के वाले को हम लोग एक साथ ले आएंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ ले जाएंगे, तो यहां पर माइनस 4 के और इधर है माइनस 3 के राइट साइड में, जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस 3 के इज इक्वल टू माइनस 3 है, और ये 2 प्लस में था राइट साइड जाएगा तो माइनस में, यहां पर प्लस माइनस माइनस होगा, 4 माइनस 4 के 4 के में से 3 के जाएगा तो क्या बचेगा के, लेकिन बड़ा का साइन माइनस और इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस होगा, तो माइनस 3 प्लस 2 5 मींस माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 5। यहां से हम लोगों को के का वैल्यू 5 मिल गया केस 1 से। इसी तरह हम लोग फिर केस 2 को सॉल्व करेंगे, और केस 2 में क्या था, ये इन लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। केस 2, केस 2 में क्या है, माइनस 3 बाई 1 माइनस 2 के इज इक्वल टू 7 बाई 5 के माइनस 4। यहां से भी हम लोगों को k का वैल्यू मिलेगा, तो देखते हैं यहां पर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये माइनस का माइनस 3 5 जब 15 के, और यहां पर माइनस माइनस प्लस 3 4 जब 12, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर भी सेम इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जब 7 और माइनस का माइनस 7 2 जब 14 के, के वाले टर्म को एक साथ कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ, तो माइनस 15 के है और ये माइनस 14 है, जब हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस 14 के हो जाएगा इज इक्वल टू 7 और प्लस 12 राइट साइड जाएगा तो माइनस 12, और यहां पर माइनस 15 के प्लस 14 के तो इज इक्वल टू माइनस किया आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बच जाएगा और माइनस में रहेगा, और यहां 7 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 5। यहां से भी हम लोगों को के का वैल्यू 5 मिल गया है। अब हम लोग केस थर्ड से सॉल्व करेंगे। केस थर्ड में क्या था कि फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये क्या था, 2 बाई के प्लस 1 और इज इक्वल टू 7 बाई 5 के माइनस 4 केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड है। तो यहां पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 के और 2 4 जा 8, यहां पर 7 के प्लस 7, यहां तक क्लियर, 10 के है, के को इधर ले आएंगे जितने वाले के वाले टर्म है तो माइनस 7 के हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 7 और माइनस 8 था तो राइट साइड जाएगा तो प्लस 8, ठीक है। 10 के में से 7 के माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 3 के इज इक्वल टू 7 प्लस 8 15 और k इज इक्वल टू 15 बाई 3 मीन्स 3 5 क्या 15 मीन्स k का वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग तीन केस से सॉल्व किए इस क्वेश्चन को, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और ये थर्ड केस, और तीनों केस को जब हम लोग सॉल्व किए तो k का वैल्यू 5 मिल रहा है, मीन्स इस क्वेश्चन में k का वैल्यू क्या होगा, मीन्स k का वैल्यू यहाँ पर 5 होगा, कॉमन हम लोग को वैल्यू मिल गया 5, इसलिए k का वैल्यू 5 होगा। तो ये था सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन जो वन टाइम पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग, सेम इसी तरह, लेकिन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इस क्वेश्चन से, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे कि क्या करता है सेकंड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 7050523391। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मींस इसमें भी के का वैल्यू निकालना है फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन,
For this system of equation 3x plus 5y is equal to 0, kx plus 10y is equal to 0 has non-zero solution. Means बोल रहा है k का वैल्यू निकालिए कि जो सिस्टम होगा इक्वेशन का वो होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन. और नॉन जीरो सॉल्यूशन का यहाँ पर एक कंडीशन होता है, जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2. मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. और नो सॉल्यूशन का क्या होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. तो नॉन जीरो का भी एक कंडीशन होता है, वो होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2. इस कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि नॉन जीरो सॉल्यूशन का है. तो इस क्वेश्चन को भी सीबीएसई बोर्ड में वन टाइम पूछा गया है. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या, k का वैल्यू यहां से कैसे फाइंड करेंगे. तो इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सेकंड क्वेश्चन है 3x plus 5y is equal to 0. और सेकंड इक्वेशन kx plus 10y is equal to 0. तो यहाँ पर a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 और c2 नहीं है. तो यहाँ पर भी हम लोग 4 नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन के टर्म में क्या करते हैं, क्या कंडीशन है, a1 by a2 is equal to b1 by b2. तो a1 by a2 क्या है, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 3, a2 क्या है, ये भी x का कोफिशिएंट है पर सेकंड इक्वेशन का, तो k is equal to b1 by b2. b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, और b2 क्या है, y का कोफिशिएंट लेकिन सेकंड इक्वेशन का. तो यहां पर कैंसिल हो रहा है 5 1 5 और 5 2 10. तो यहां पर क्या आ गया 3 by k is equal to 1 by 2. यहां पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां से k का वैल्यू मिल जाएगा. k को जब 1 से इंटू करेंगे तो k ही रह जाएगा सेम, 1 से कुछ भी इंटू करेंगे तो सेम नंबर आ जाता है, और 3 2 6. तो मींस यहां से सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को क्या मिल रहा है, k का वैल्यू 6. तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है. ये इजी क्वेश्चन था इन तीनों क्वेश्चन में. और लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड में 2 times पूछा गया है, 2 times सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है इसे. और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. और ये सब पूछे गए क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसमें भी हम लोग पहले इक्वेशन को हम लोग जितने भी राइट साइड टर्म होंगे उसे लेफ्ट साइड ले आएंगे और राइट साइड जीरो के फॉर्म में ले आएंगे. तो इक्वेशन को लिख लेते हैं x प्लस k प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है. और सेकंड इक्वेशन है k प्लस 1 इंटू x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1. दोनों इक्वेशन को राइट कर लिया. अब वही सेम काम हम लोगों को करना है कि सब जो राइट टाइम में टर्म है उसे लेफ्ट साइड में ले आएंगे. तो x प्लस k प्लस 1 इंटू y और ये प्लस 5 था इधर आगे माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सेम इसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी अरेंज कर लेते हैं, k प्लस 1 इंटू x प्लस 9y माइनस 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां पर भी क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सेम क्वेश्चन है फर्स्ट और थर्ड, पर ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा और ये दो बार भी पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में. k का वैल्यू निकालने का रहा है, k का ऐसा वैल्यू निकालने का रहा है जिससे कि पुट करने पर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का इक्वेशन आ जाए. तो यहां पर हम लोग 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या तो मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका क्या कंडीशन था, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ठीक है. अब a1 by a2 means x coefficient, a1 क्या 1 divided by और यहां पर k plus 1 a2, ठीक है, x coefficient is equal to b1 by b2. b1 क्या है, y का coefficient means k plus 1 और यहां b2 क्या है, y का coefficient लेकिन second equation का, तो 9 is equal to c1 by c2. c1 by c2 means constant term of both equation. तो यहां पर -5 और यहां पर -8k -1, ठीक है.
ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल। इसे भी हम लोग तीन केस में सॉल्व करेंगे और तीनों केस से के का वैल्यू आएगा और जो कॉमन वैल्यू आएगा वही होगा के का वैल्यू इस क्वेश्चन का। तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और देन आफ्टर इन दोनों को सॉल्व करके के का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो केस वन तो केस वन फर्स्ट और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। के प्लस वन, वन बाय के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन बाय नाइन। ठीक है, यहां पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो k प्लस वन इंटू के प्लस वन क्या हो गया, k प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू और वन नाइन जा नाइन। तो यहां पर k प्लस वन यहां पर होल स्क्वायर है, उधर जब जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट नाइन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा k प्लस वन। ठीक है, यहां पर 9 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो यहां पर निकलेगा 3 प्लस 3 और माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस 3। तो यहां से k का वैल्यू क्या आएगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और माइनस 3, 3 भी है और माइनस 3 भी है। तो यहां पर एक एक करके हम लोग k का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। मीन्स k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एक बार लेंगे और k प्लस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री लेंगे और यहां से k का दो वैल्यू मिल जाएगा। तो k है, प्लस वन है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो थ्री माइनस वन टू, मीन्स k का वैल्यू टू हो गया। और यहां पर k है और प्लस वन है, राइट साइड जाएगा तो माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, मीन्स माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर, मीन्स k का वैल्यू क्या आ गया, टू और फोर। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व किया तो के का वैल्यू हम लिखते हैं, के का वैल्यू टू आ गया और के का वैल्यू फोर, के का वैल्यू टू और के का वैल्यू फोर आ चुका है। अब हम लोग सेकेंड केस से सॉल्व करेंगे कि के का वैल्यू क्या आता है। केस सेकेंड, केस टू तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे केस टू में। तो यहां पर k प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नाइन इज इक्वल टू फाइव बाय एट के माइनस वन। इन दोनों को भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और यहां से k का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो k प्लस वन, ठीक है, इंटू हो जाएगा एट के माइनस वन और इज इक्वल टू नाइन फाइव जो 45। यहां तक के लिए अब हम लोग देखेंगे इसे तोड़ के। तो k इंटू, पहले k से हम लोग दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो k इंटू 8k मीन्स 8k स्क्वायर और k इंटू माइनस 1 मीन्स माइनस k और फिर 1 से करेंगे हम लोग, तो 18 जो प्लस 8k और प्लस माइनस माइनस और 1 बन जा 1 इज इक्वल टू 45। यहां तक क्लियर, यहां पर 8k का स्क्वायर और यहां पर देखिए k वाले टर्म में तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 8k माइनस k मींस 8k में से 1k को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 7k और यहां पर माइनस 1 और ये 45 राइट साइड में प्लस में, लेफ्ट साइड में आते तो माइनस में, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k और ये माइनस माइनस प्लस 46 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग इसे तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने का मैंने मेथड बताया था स्प्लिट द मिडिल टर्म पॉलीनोमियल चैप्टर में। अगर आप लोगों को स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं आता है तो मैं यहां पर फिर से बता देता हूं। किनारे वाले जो राय जो कोने में रहेंगे उसका प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, तो 8 इंटू 46 कर लेंगे, तो 8 इंटू 46 आ जाएगा 8 और यहाँ पर मीन्स 36 मीन्स 368 आ जाएगा, 368। और इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के बीच वाले टर्म को हम लोग सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं हम लोग, 2 1 2 2 8 16 और 2 4 8। यहाँ तक के लिए, और यहाँ पर 2 9 18 और 2 2 4 और फिर से 2 4 8 और 2 6 12।
ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया है और बीच वाले टर्म को हम लोग को सेट करना है। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 23 और इधर आ गया 16, मीन्स 23 में अगर 16 माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है 7, मीन्स यहाँ पर सेट हो जा रहा है। इस बिल्डिंग मिडिल टर्म से किनारे वाले का प्रोडक्ट निकाले और उससे एलसीएम निकाले और जो एलसीएम आ गया उसी से सेट करके हम लोगों को बीच वाले टर्म को लाना पड़ता है, इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ लेते हैं, 8k² + 23k - 16k - 46 = 0, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। 23k में से 16k को माइनस कर देंगे तो 7k आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, k कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है हमें रहा, तो k को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, 8k आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8k प्लस और 23, अब इसे इंटू करेंगे तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, k × 8k² और k × 23k, ठीक है। अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे तो 16 है और यहाँ पर 46 है, तो यहाँ पर अगर 2 कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लिए और 2 कॉमन लिए, तो 2 8 16 और यहाँ पर k, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 23 = 0। तो यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर जब इंटू करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि 2 8 16 के माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस और 2 × 23 करेंगे तो 46। यहाँ तक के लिए ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं, 8k + 23 और यहाँ पर बच गया क्या, k - 2 = 0। अब हम लोग एक करके जीरो के साथ इक्वेट करेंगे और यहाँ से हम लोगों को k का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ पर 8k + 23 = 0 कर लिए, ठीक है, 8k था यहाँ, प्लस 23 था, राइट साइड जाएगा तो -23 और k यहाँ 8 यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो 20 डिवाइड बन जाएगा, मीन्स -23 डिवाइडेड बाई 8, मीन्स k का वैल्यू 8 टू मिल गया, k = -23/8। अब k का एक और वैल्यू को निकालेंगे, k - 2 = 0, ठीक है, और राइट साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, मीन्स k = 2, मीन्स k का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गया, k का वैल्यू -23/8। फर्स्ट केस को जब हम लोग सॉल्व किए थे तो k का वैल्यू 2 और 4 आया था, सेकेंड केस का भी हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू आया है। केस सेकेंड का क्या वैल्यू आया, k = -23/8 एंड k = 2, ठीक है, ये दो वैल्यू आए। अब हम लोग केस थर्ड को सॉल्व कर लेंगे और वहां से क्या आता है k का वैल्यू, और जो तीनों में कॉमन निकलेगा वो होगा k का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। केस थर्ड में क्या है, फर्स्ट केस में हम लोग इन दोनों को सॉल्व किए थे, सेकंड केस में इन दोनों को, और थर्ड केस में हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, 1/k + 1 = और यहां पर 5/8k - 1, ठीक, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां से k का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से इनटू होगा तो सेम वही रह जाएगा, 8k - 1, और यहां पर 5 से इनटू करेंगे तो 5 × k + 1, ठीक है, 8k - 1 सेम इंटीजर रह जाएगा और 5 से इनटू करेंगे तो 5k और यहां पर +5, ठीक है, k वाले टर्म को एक साथ, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ, तो 8k - 5k, ठीक है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -1 है तो उधर जाएगा तो +1, ठीक है, तो यहाँ पर 8 में से 5k जाएगा तो क्या बच जाएगा, मीन्स 3k हो जाएगा, 3k और 5 + 1 = 6, मीन्स k = 6/3, मीन्स 3 2 जा 6, मीन्स k का वैल्यू यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, 2। तो फर्स्ट केस से हम लोगों को वैल्यू मिला था k का वैल्यू,
k is equal to 2 and k is equal to 4. के सेकंड से ये मिला था और के थर्ड से हम लोगों को मिल गया k is equal to 2, मीन सिंगल वैल्यू मिल गया और यहाँ से दो दो वैल्यू मिला, तो हम लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है तीनों केस में, केस वन में k is equal to 2, केस टू में k is equal to 2 और केस थ्री में k is equal to 2, मीन्स यहाँ पर k का वैल्यू क्या हुआ थर्ड क्वेश्चन में, मीन्स k is equal to 2 है जो सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट लिख देंगे, therefore या hence k is equal to is the common value of satisfy this equation infinite number of solution. तो ये था 10 टाइप का क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, और अगर आप लोगों को इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 7050329132 5233391, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेंड।